हेलो दोस्तों और नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम इंडिकेटर लगा के ट्रेड करेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि इस इंडिकेटर पे इस तरीके से करो तो इतना प्रॉफिट होगा। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि इंडिकेटर पे ट्रेड करने का नतीजा क्या होता है, ठीक है? तो आप बने रहिए वीडियो में और देखिए इंडिकेटर कितना काम करते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर ट्रेड की है विदाउट एनी इंडिकेटर, और ये मैंने डाउन के लिए ट्रेड की है, ठीक है? क्योंकि जगह छोड़ के कैंडल स्टार्ट हुई थी तो मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है, और ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो जाएगी क्योंकि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है इस वजह से, ठीक है? ये देखिए कितना कैंडल छोड़ के स्टार्ट हुई है। जितनी ज़्यादा जगह छोड़ेगी उतना ही ज़्यादा श्योर सिग्नल मिलेगा आपको ट्रेड करने का, ठीक है? ये ट्रेड हमारी विन होगी। तो अब हम इंडिकेटर लगाएंगे, और लोग बोलते हैं ना कि, मानता हूँ मैं शुरुआत में आप लोगों को इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? लेकिन इंडिकेटर कभी भी काम नहीं करता, वो सिर्फ ट्रेंड दिखाने का काम करता है। कोई भी इंडिकेटर हो ट्रेंड दिखाता है, ठीक है? और ट्रेंड ट्रेडर का फ्रेंड होता है, तो ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो विन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है? अगर इंडिकेटर के सिग्नल के आधार पर चलोगे कि तो आप लॉस करके जाओगे। मैं लिख के दे देता हूँ, और जो भी आपको ये बता रहा है ना कि इस इंडिकेटर से करो तो वो लॉस कराएगा आपका, ठीक है? तो हम चूज करते हैं कौन सा इंडिकेटर लगाएं, एक मिनट देख लेते हैं, कोई सा भी एक इंडिकेटर चूज करेंगे जो सिंपल हो, ठीक है? सिंपल सा इंडिकेटर चूज करेंगे कोई भी एक, देखते हैं कौन सा सिंपल हो सकता है। ये भी नहीं, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ये भी नहीं है। ठीक है, रुको, वेट करो थोड़ा सा, एक बार इंडिकेटर चूज कर लेते हैं हम। CCI, डिमार्कर, बेरिश, चलो ये भी नहीं यार, दूसरा देखते हैं, एक सेकंड रुको, कोई बढ़िया सा इंडिकेटर लगाते हैं उसके बाद में करेंगे, है ना? तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये मोमेंटम, ये भी पसंद नहीं आया यार, जो डबल लाइन का होगा ना वो यूज करेंगे हम, ठीक है? कोई भी होगा, एक मिनट देख लेते हैं, ट्रिपल लाइन में है, इसको भी नहीं, कोई भी डबल लाइन का जो नीचे आएगा उसको अमन यूज करके देखेंगे आज। हाँ, ये करते हैं, ठीक है? इसका कलर चेंज करते हैं, ग्रीन चेंज होगा, ग्रीन कर लिया, इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है? 14, इसको रेड करते हैं, इसको ग्रीन करते हैं, अब सही है। अगर ये अब, हाँ अब सही है, ठीक है? इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, ये थोड़ा लेट काम कर रहा है, पता नहीं क्यों, नेटवर्क की वजह से या वैसे, ठीक है? तो हम इसको यूज करेंगे आज इंडिकेटर को, और फिर ट्रेड करेंगे, देखते हैं हम लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं, कितना इंडिकेटर हमको क्या बताता है। तो 10 पे करके देखते हैं, नहीं ज़्यादा करते हैं इसको, 15 पे करते हैं, जी ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे सही है, ठीक है? इसको यहाँ पे यूज करते हैं 15 पे करके, 14 पे ये नॉर्मल सेटिंग में आता है, तो हमने 15 पे किया है इसको, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है बस, हल्का सा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें,
ठीक है। अब जैसे ही कोई ये मार्केट चेंज होगा तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो देखते हैं वो लॉस होती है विन होती है। तो दोस्तों इंडिकेटर जो भी बता रहा है ना आपको, बिगनर्स के लिए चाहिए इंडिकेटर, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, जब आप सीखने बैठते हो तो इंडिकेटर हमको चाहिए ही चाहिए होता है। और हम ये लोग जो भी बताते हैं ना वो अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पे ही ट्रेड करते हैं। किसी को भी देख लेना आप, जहाँ पे लॉस होना होगा ना वो वहाँ पे ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है, या उसको वीडियो एडिट करते वक्त कट कर देंगे, ठीक है। हम बिल्कुल भी कोई भी कट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम है सब कुछ, और प्रैक्टिकल भी लगाया है मैंने, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करता है फ्रैक्टल, क्योंकि जब भी मार्केट कैंडल डाउन जाएगी, सिग्नल दिया फ्रैक्टल ने और मार्केट वहाँ से उसके बराबर में आई तो वो हट जाता है वहाँ पे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो लॉस करवा के जाता है हमारा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट चेंज होता है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करके दिखाऊँगा मैं आपको, और कैंडल लगा के भी मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको। आप लोगों को अंतर समझ में आएगा कि इंडिकेटर क्या होता है और विदाउट इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पे ट्रेड की है 50 रूबल की, तो देखते हैं ये विन होती है या लॉस होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है फ़िलहाल, और शायद मार्केट यहाँ से चेंज भी होगा क्योंकि डाउन जाएगा मार्केट, ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, इस कैंडल से शायद डाउन चला जाए मार्केट अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये हमारा विन हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगली कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। हमने जो कैंडल स्टिक पैटर्न पर ट्रेड किया है वो हमारी दोनों विन हुई है अभी तक, और अब हम सिग्नल पर ट्रेड करेंगे इंडिकेटर के, इसने सिग्नल दिया है अप का, ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है, मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो अगर आप पिछले वीडियो देख रहे हो मेरे तो आप, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि तीसरी कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड किया है क्योंकि यहाँ पे डाउन का सिग्नल दिया है मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है दोनों लाइन, और यहाँ पे हमारा डेफिनेटली लॉस होगा जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि कैंडल बहुत ही वो हो रहा है, मार्केट अब ट्रेंड में है और हमने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया है सिग्नल के अकॉर्डिंग, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा लॉस हो गया, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। और अभी देखते हैं अगर ये फिर से सिग्नल देता है तो हम यहाँ पे ट्रेड, देखिए फ्रैक्टल सिग्नल दिया है, मैंने डबल की ट्रेड की है यहाँ पे अप के लिए, और यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि ये कैंडल स्टिक पैटर्न का ही कमाल है दोस्तों, अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे तो लॉस करके जाओगे। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने मेरी हिसाब से जो बताया आपको देख सकते हो, किसी भी वीडियो में लॉस नहीं किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे फिर से सिग्नल दिया, हमने $250 यहाँ पे फिर से लगाया है डाउन के लिए, क्योंकि ग्रीन मैंने दोनों ही उस पे लगा के दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि ग्रीन पे लगा दिया या रेड पे लगा दिया, तो मैं दोनों ही उस लाइन पे लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग दोनों ही तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा लॉस पे जा रहा है और लॉस हो गया है हमारा, ठीक है, हम अभी तक $250 और लगभग $350 $400 के लगभग लॉस कर चुके हैं हम। अब हम रूबल हमने लॉस किया है, अब 800 रूबल लगाएंगे और ये ट्रेड हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। और मुझे आशा है कि मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पे और मेरी स्ट्रेटजी के आधार पे हम विन करेंगे इसको। अगर सिग्नल मिलता है हमें तो मैं ज़रूर ट्रेड प्लेस करूँगा,
अभी इंडिकेटर पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल भी। और मैंने शुरुआत में, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैंने शुरुआत में लोगों के वीडियो देख देख के और इंडिकेटर यूज कर करके, और इंडिकेटर तो छोड़ो, मैंने इंडिकेटर बाई तक किए हैं, ठीक है, फिर भी मैंने लॉस किया है, बहुत लॉस किया है। यहाँ पे सिग्नल मिला है, कैंडल छोड़ के बनी है जगह, तो मैंने यहाँ पे 800 रुपये लगाए हैं डाउन के लिए, क्योंकि कैंडल जगह छोड़ के स्टार्ट हुई थी, इस वजह से मैंने 800 रुपये लगा दिए हैं। और ये हमारे विन होंगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है बाई चांस लॉस भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि लॉस नहीं होता है, लेकिन ये 80-90% वर्क करता है ये काम, ठीक है। और हमने अभी तक मेरे लाइव वीडियो हैं सभी, आप देख सकते हो, और सभी में मैंने अच्छा खासा विन किया है, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। मैंने लॉस भी रिकवर कर लिया और प्रॉफिट भी कर लिया यहाँ पे, सिर्फ कैंडल स्टिक और अपनी स्ट्रेटजी के आधार पे, ठीक है। आगे भी मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊँ अगर कोई सिग्नल मिलता है तो, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही आप ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बढ़िया है।